So, hey yo, what's up bro? It's your boy RD back in it again with a new video. एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और ये डेली ब्लॉगिंग का ब्लॉग नंबर 3 है और सुबह के बज रहे हैं 11। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बुआ के घर जो कि है बागनाला में। वहाँ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरे भाई की शादी है, तो घर की साफ सफाई करने को है और उन्होंने पिछले कल मुझे बोला था कि घर में पेंट लगाने को है, तो आ जाई। इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, बाइक पे जाऊँगा, तो लेट्स गो। चाबी भी हमने उठा ली है और अभी हम जाएंगे बाइक में। हो सके तो मैं क्लिप्स बीच बीच में शूट करता रहूंगा अगर हो सके तो, क्योंकि एक हाथ से बाइक चलाना आप लोगों को पता है कितना डिफिकल्ट होता है। तो अभी हम उतने प्रो राइडर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लेट्स गो। बाइक को मोड़ लेते हैं पहले और फिर चलते हैं। अभी सनाश का कॉल भी आया था जो मेरा फ्रेंड है, उसने मेरे को बोला कि ब्लॉग बना दे, आज भी डेली ब्लॉगिंग तो कर ही रहा है, इसलिए मैं अभी ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि छोटा ब्लॉग बने, लेकिन ब्लॉग तो ब्लॉग होता है। सो लेट्स गो। अभी मुझे सनाश भी मिलेगा बीच रास्ते में, तो थोड़ा ब्लॉग शूट वहाँ कर लेंगे एंड लेट्स गो। सो गाइस, अभी फ़ोन मैंने ऐसी जगह पे टिका के रखा है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, जहाँ बाइक की नहीं लगती वहाँ पे मैंने अभी फ़ोन टिका के रखा है। लेकिन एंगल मस्त आ रहा है बाइक चलाते चलाते। ये एक हाथ मेरा इधर है, एक हाथ मेरा इधर है, और फ़ोन गिर भी सकता है एनी मोमेंट। और शायद आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं, क्योंकि विंड की आवाज़ भी बहुत आ रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी स्लो ही चलेंगे क्योंकि फ़ोन अभी टेढ़ा हो गया और गिरने ही वाला है, तो थोड़ा रुक जाते हैं फ़ोन को सीधा करने के लिए। फ़ोन का एंगल तो सीधा कर लिया है, लेकिन अभी मुझे स्लो ही चलना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन कभी भी गिर सकता है और मैं नहीं चाहता फ़ोन गिरे और स्क्रीन टूट जाए, क्योंकि मेरे पास इकलौता फ़ोन है ये, और इसलिए हमें मोड़ भी बहुत ही स्लो काटने पड़ेंगे। अगर मैं ज़्यादा मोड़ूंगा हैंडल तो फ़ोन सरक सकता है इजीली, लेकिन यार फीलिंग मस्त आ रही है। स्लो ही जाएंगे, ज़्यादा फास्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मतलब कि 10 मिनट का रास्ता है बाइक में, और अगर पैदल जाएंगे तो 15 मिनट तो लग ही जाएंगे, इसलिए स्लो जाएंगे फीलिंग लेते लेते। और रोड भी काफ़ी ज़्यादा मस्त बन चुका है, आपको मेरी शक्ल नहीं दिख रही हो लॉस। यार कुछ भी कहो, ये जुगाड़ बड़ा मस्त है। आज से पहले ये ट्रिक दिमाग में क्यों नहीं आई, मतलब कि जो एंगल है और व्यू है बहुत ही सही आ रहा है। अभी मैंने जो पिछले वाली क्लिप थी वो प्ले करके देखी, उसमें उतनी विंड की नॉइज़ नहीं आ रही है। अगर मैं स्लो चला रहा हूँ बाइक तो मेरी नॉइज़ सही आ रही है, इसलिए जुगाड़ तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन रिस्की है ब्रो। लेकिन रिस्क से नाम बनते हैं, अगर ब्लॉग बनाना है तो थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, इसलिए अभी चलते हैं। और गाइस, जब भी मैं बाइक की लेग ब्रेक दबा रहा हूँ तो थोड़ा मतलब हार्ड हो गई है लेग ब्रेक, अगर मैं दबा रहा हूँ तो फिर बाइक का बैक टायर स्किट खा रहा है, तो प्रॉब्लम है। अगर बाइक चलता रहेगा तो वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अगर बाइक मतलब 1 घंटे से ज़्यादा कहीं खड़ गया तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है।
तो पता नहीं क्या है सीन क्या नहीं। अभी हम पहुंच चुके हैं एक नई जगह पे, यहाँ को बेसन दाल कहा जाता है। मेरे साथ है सारांश, और सारांश के आने से 15 मिनट पहले तक मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन जो मेरा फ़ोन है ओवरहीट हो गया और उसका कैमरा भी बिल्कुल भी नहीं चल रहा था और बाकी थोड़े ऐप्स भी नहीं चल रहे थे। तो अभी इसका वेट कर रहा था, तो अभी मैं सारांश के फ़ोन से ब्लॉग बना रहा हूँ। और अब व्यू देख सकते हो, एक बार बहुत ही तगड़ा दिख रहा है यहाँ से। तो इससे पिछली क्लिप में आप लोगों ने देखा कि मैंने जुगाड़ कैसे किया था। तो बोलते हैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए गोप्रो का होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आप मेरी तरह जुगाड़ करते फिरोगे। लेकिन जुगाड़ भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन ज़्यादा ही कुछ टाइम के बाद वो जुगाड़ उससे भी ज़्यादा जुगाड़ हो जाएगा, तो इसलिए फ़िलहाल यही ठीक है। अभी हम बिगनर्स हैं तो टाइम तो लगेगा अभी ग्रो करने में। एंड अभी हम यहाँ बैठ के चिल करेंगे, थोड़ा आपको व्यू दिखाएंगे। नीचे जहाँ पर हम पहले बैठे थे उधर धूप काफ़ी ज़्यादा थी, तो हम थोड़ा सा ऊपर आ गए इधर छांव में, और हवा भी बहुत ज़्यादा चिल चली है यहाँ पे। एंड उधर रिवर राफ्टिंग हो रही है, मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ पे नदी है, अभी थोड़ी लाइट पड़ रही है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। वो वहाँ पे नदी है और रिवर राफ्टिंग हो रही है, आपको दिख रही होगी नीचे छोटी सी राफ्ट है, एक वहाँ पे रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं लोग। एंड यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है। एंड वहाँ पे रोड का काम चल रहा है, ये वाला रास्ता पनारसा को जाता है इधर से, ये वाला रास्ता, और भुंतर एयरपोर्ट भी यहाँ से दिख रहा है, वो वहाँ पे है भुंतर एयरपोर्ट। और उधर आगे कुल्लू को जाएंगे, इस वाले रास्ते से आगे कुल्लू को, और व्यू यहाँ से मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। और नीचे वहाँ पे बजौरा पुल है, ये वाला बजौरा पुल, और ये पूरा बजौरा है। तो ये मेरा डेली ब्लॉगिंग का ब्लॉग नंबर 3 है, कोशिश करता रहूँगा कि आगे भी डेली ब्लॉग्स डालता रहूँ। और जिस प्लेस पे हम अभी हैं वो प्लेस एकदम अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि ज़्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं वो या तो दियार चले जाते हैं या फिर उससे आगे शोणाधार चले जाते हैं घूमने के लिए। ये वाली ऐसी जो जगहें हैं ये बिल्कुल भी अनएक्सप्लोर्ड रह जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर गाँव के लोग ही आते हैं अपने गाय और भेड़ बकरियों को चराने के लिए। कभी भी आप दियार साइड आओ, इस वाले लोकेशन पे ज़रूर आइएगा। आप लोग यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हो, पिकनिक स्पॉट बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। इधर प्लेन आप देख सकते हो, ओ माय गॉड, आई भाई यार तू गिरता है दिमाग, तुम पिछली वीडियो में भी गिरा था। तो मैं बोल रहा था कि पिकनिक स्पॉट बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, और जो आपको व्यू यहाँ से सामने की तरफ देखने को मिलेगा वो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक बात फ्रेंड्स दूँ कि लोग ऐसी जगह पे आते हैं, यहाँ पे गंदगी बहुत ही ज़्यादा फैला के जाते हैं। ये जो माउंटेन एरिया है और जो पहाड़ है, इस इन जगहों पर खासकर जो इतने ब्यूटीफुल प्लेसेस है वहाँ पर अगर आप आओ तो गंदगी बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे आओगे और पिकनिक मनाने कभी भी आओगे तो जो आप गंदगी फैलाओगे उसको या फिर जला दें, नहीं तो अपने बैग में पैक करके कहीं डस्टबिन में डाल दें। तो अभी सारांश भागे आए, उधर गंदगी उठा रहा है। तो अभी हम ही यहाँ पे है, हमारा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस गंदगी को हम साफ़ करें। इसको थोड़ी गंदगी साफ़ करते हैं, फिर मिलते हैं आपको उसके बाद। तो मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि अभी हमने जो क्लिप शूट की थी और उसमें सारांश गिरा था, उसको देख के बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है, क्योंकि जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी शोंडादार वाली, शोंडादार फेयर वाली, उसमें भी एक बार गिरा था। तो कैसा लग रहा है आपको गिर के? बस बहुत अच्छा लग रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू आर प्लेसेस, अभी सारांश जाएगा दियार और मैं जाऊँगा अपनी बुआ के घर। सो अभी मेन रोड को निकल जाते हैं पहले, तो फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहुंच चुके हैं मेन रोड में और सारांश अपनी स्कूटी में जा रहा है दियार। एंड अभी मैं फ़ोन इसको वापस कर दूंगा और अपने फ़ोन से ब्लॉग शूट करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस अभी सारांश चला गया है दियार और फ़ोन टेढ़ा हो गया फिर से, मैंने वहीं पे जुगाड़ करके रखा है, गोप्रो तो है नहीं।
इसलिए अभी बस 5 मिनट का रास्ता रह गया है अपनी बुआ के घर तक, बाइक स्लो ही चलाऊंगा। तो पहले मैं फ़ोन ज़रा सा सीधा कर लूँ अपना, एंड ये सो स्लो ही जाएंगे क्योंकि फ़ोन के साथ रिस्क नहीं ले सकते, पहले भी टूट चुका है एक बार, तो अभी रिस्क नहीं बनता है बॉस। हो अभी मज़ा आया, फ्रांश के फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रहा था तो अभी अपने फ़ोन में स्विच कर लिया है। अपने बुआ के घर से थोड़ी सी दूर हूँ और पहुँच गया हूँ लगभग। तो आज की वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। गाइस दिस देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। देन स्टे सेक्सी बेबी, पीस।